नमस्कार। तो आज आप हम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि बेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। बेल स्टॉक की बात की जाए तो काफ़ी दिनों बाद आज एक अच्छे मोमेंटम जनरेट देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छे वॉल्यूम्स भी आते हुए दिखाई दिए हैं। वॉल्यूम्स तो इतने खास नज़र नहीं आए, फिर भी मोमेंटम जो है एक अच्छी मोमेंटम जनरेट देखने को मिले थी स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग नज़र डालोगे तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ के ऊपर नज़र डालेंगे। रिसेंटली न्यूज़ की बात की जाए तो कल की जो न्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स अपॉइंट चेयरमैन, तो नया चेयरमैन भी यहाँ पे चुना है। टाटा ग्रुप फर्म्स अमॉन्ग 9 लाइकली टू एडिशनल MSCI इंडिया लिमिटेड। बाकी कोई खास नहीं नया, यहाँ पे आप देख सकते कि चेयरमैन सिलेक्ट किया है बेल स्टॉक ने, बेल कंपनी ने। और क्वार्टर के नंबर्स भी यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले 7th of November के दिन। तो पिछले एक दो महीने से स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम वीक देखने को मिली थी, उसके बाद मोमेंटम के बाद यहाँ पे देख सकते कि गिरावट भी हल्की हो चुकी थी। तो रिसेंटली यहाँ पे आज स्टॉक के अंदर एक अच्छे मोमेंटम जनरेट हुई। फर्स्ट यहाँ पे नेगेटिव बात एक ही है कि वॉल्यूम्स इतने खास नज़र नहीं आई। मोमेंटम तो अच्छी आई पर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वॉल्यूम्स नेगेटिव क्यूटी के साथ देखने को मिले थे, मीन्स इतने खास क्वांटिटी के साथ नहीं है। वॉल्यूम्स अच्छे क्वांटिटी के साथ आते तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है और स्टॉक में मोमेंटम भी बढ़ सकता है।